आसिबा परवर्ती खबर को भद्रक रे थमुनी निर्वाचनी परवर्ती हिंसा ग्रामांचल थाना ओकरा गाँव रे बाड़ बुजिया को नहीं संघर्ष एतिरे भरत बेहरा को मृत्यु घटीतिबा बेले बापा रविंद्र बेहरा कटक एससीबी रो आईसीयू रे भर्ती होइछंती। रविंद्र को मृतदेह आज गाँव में पहुंचा पर उत्तेजना देखा देछि। भद्रक आरड़ी रास्ता अवरोध करथिले स्थानीय ग्रामवासी। गत तीन दिन तलू भद्रक पुलिस निकट में अभियोग होइथिले मध्य अभियुक्त को पुलिस गिरफ करनी एहाकु नै ग्रामवासी को मध्य उत्तेजना देखा देछि। एने अधिक सूचना देवा पई हम सहित फोन लाइन रहछन्ते हम प्रतिनिधि अजय पंडा। अजय वर्तमान गाँव परिस्थिति किभली देखुछन्ती? बर्तमान तो गाँव में चापा उत्तेजना देखा दी कारण गोटे पर दुई जन बाप पुआ पुंकर गत काली एसीबी मृत्यु हो जाए बापा बर्तमान पर्यंत आईसीयू अच्छा जोटा गोटे पर पु मृत्यु पर बापा एमती जटिल परिस्थिति जो कि गाँव में साधारण लोक मैंने भितर गोटे चली निर्वाचन तो गला निर्वाचन बाटर निर्वाचन सरला जो मैंने जो भाव निर्वाचित हेले कि जो रोष था निर्वाचन पूर्व से पर तीन दिन पूर्व घटना घटी बाड़ बुजा को लेकिन दुई परिवार दुई गोष्ठी भितर लगी कहीं आम जगह सी कहते तुम बाड़ बुझी पार्वनी जहाँ को नहीं मरणातक आक्रमण करते मरणातक आक्रमण कर रवींद्र बेहरा भरत बेहरा को माड़ होता तो बापा से रवींद्र बेहरा जाए अटकई कौन पाई एमती गंडगोल लगुंट तो शाबल और भूजाली आक्रमण कर गुरुतर अवस्था प्रथम भद्रक मुख्य चिकित्सालय को अणा जाता कटक स्थानातरित कर तो गत काली जिते भरत बेहरा मानते मृत्यु घटला कटक एसीबी सब व्यवच्छेद करना जा भद्रक आरड़ी रास्तार अन्नपाल स्थानीय लोक जो अभियुक्त मान को कहीं गिरफ्त कर घटना तीन दिन है ग्रामांचल थाना एतला दिया जाए कि कौन से अभियुक्त एपर्त गिरफ होना तो से दाबी करते दाबी कर रास्ता रोक करते ग्रामांचल जो थाना अधिकारी पहुंची तहसीलदार पहुंची बहु बुझा सुझा कला तो से रास्ता रोक घटी कि गोटे कथा कह चाहिए नरनी जिते जो उभय गोष्ठी आक्रमण में जिते भरत बेहरा और रवींद्र बेहरा गुरुतर होते तो अन्य पक्ष श्रीधर बेहरा बोली जन गुरुतर थे से भद्रक मेडिकल चिकित्सित होते पुलिस बर्तमान निज अधीन को लेकिन अन्य जो चार जन विरुद्ध अभियोग आक्रमण करते भुजाली आवल तो से खोजुच पुलिस निश्चित रूपे ए सब भितर गाँव में गोटे प्रकार चापा उत्तेजना देखा दे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपण समस्त सूचना।